जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपका हमारे चैनल ए आर अनबॉक्स से स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अपने एप्सन के प्रिंटर की, जिसको हमको परचेज किए होंगे पूरे एक साल हो गए। तो दोस्तों इन एक साल में हमारा इस प्रिंटर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसका पेज पर कॉस्ट, इसकी प्रिंट क्वालिटी, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर हम इस प्रिंटर की फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एप्सन की ब्रांडिंग मेंशन की गई है। इसके साथ ये देख सकते हैं ये पेज आउटपुट प्रिंट ट्रे है, जहाँ से आपका पेज प्रिंट होकर बाहर निकलता है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पावर ऑन ऑफ बटन दी गई है। इसके बाद ये बटन है अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है, ये कलर प्रिंट के लिए है और ये प्रिंट को कैंसिल करने के लिए है। और दोस्तों अगर हम आपको इसके इको टैंक की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये टैंक है, जहाँ से इंक को रिफिल किया जाता है, यहाँ से इंक को इसमें इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर की इंक इसमें डाली जाती है, इसमें येलो, इसमें ऑरेंज और इसमें ब्लू कलर की। और दोस्तों इसके जस्ट नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर L3110 मेंशन किया है। उसके साथ ही ये इंक लेवल को बता रहा है। अगर आप लोग को कैमरा जज कर पा रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक इंक खत्म ही होने वाली है, बाकी और तीनों इंक अभी फुल हैं। और दोस्तों अगर हम इसके अपर साइड की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये पेज को प्रिंट करने का ये स्लॉट है, जहाँ पे आप पेज को रख करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप केवल A4 साइज का ही पेपर को प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके अलावा और पेपर के साइज को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों हम बात करते हैं इस प्रिंटर के बैक साइड की, तो आपको बताएं ये पेज इनपुट ट्रे है, जहाँ पे आप पेज को रख करके प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों बताएं इसके इस पर पेज के रखने की कैपेसिटी केवल 100 पेज की है, तो आप एक बार में यहाँ पे 100 पेज लगा सकते हैं। हम बात करते हैं इसके साइड की, जिसके साइड में सबसे पहले आपका ये पावर है, जहाँ से आपको इसमें कनेक्ट करके आपको अपने मेन बोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये केबल है, जिस केबल को आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये आपको अपने बोर्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये USB टाइप केबल है, जिसको आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें प्रिंटर के दूसरी साइड पर, तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे आपको इस कैप को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ एप्सन की डिटेल्स मेंशन की गई है, जो कि काफ़ी इंग्लिश और एक दो लैंग्वेज में और लिखा गया है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो आपने प्रिंटर का तो फिजिकल ओवरव्यू देख ही लिया होगा। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके ब्रांड से शुरू करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले बताया ये एप्सन ब्रांड का, जिसका मॉडल नंबर L3110 है। अब दोस्तों हम आपको बताएं ये इंकजेट प्रिंटर है, मतलब आप इसमें इंक दोबारा से रिफिल कर सकते हो। और दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो एप्सन क्लेम करता है कि आपको अगर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेज को प्रिंट करते हो तो इसकी कॉस्ट आपको 6 पैसे आती है, और आप कलर पेज प्रिंट करते हो तो उसकी कॉस्ट 17 पैसे से पर पेज आती है। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी एक्चुअल पेज कॉस्ट कितनी आती है। और दोस्तों अगर आप इसके हम फीचर्स की बात करें तो हम आपको बता दें ये इसमें प्रिंट और आप स्कैन दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि ये होम पर्पज या किस पर्पज के लिए ठीक रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगी अगर आप इसमें अपने घर में रखते हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं, या आप छोटा मोटा काम करना हो प्रिंट का, या आपके पास कोई छोटा स्मॉल ऑफिस है तो आप उसमें प्रिंट करेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप हम बताएं ये बॉर्डरलेस प्रिंटिंग को भी सपोर्ट करता है। उसके साथ अगर इसके हम पावर कंजम्पशन की बात करें तो अगर इस प्रिंटर स्टैंड बाई मोड में रहता है तो ये 4 वाट पावर कंज्यूम करता है, अगर ये वर्क करता है तो 13 वाट का पावर कंज्यूम करता है। इसका मतलब दोस्तों अगर आप अपने इसको घर में इन्वर्टर से भी यूज करते हो तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। और दोस्तों अगर इसके हम विंडो या लैपटॉप सपोर्ट की बात करें तो ये इसमें विंडो XP विस्टा 7, 8, 8.1 और विंडो 10 का भी सपोर्ट है। उसके साथ साथ ये मैक को भी सपोर्ट करता है। अभी तक तो आपने
आपने देखा इसका स्पेसिफिकेशन जो कि इसका कंपनी क्लेम करती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको 1 जनवरी 2019 को परचेज किया था, और जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 8 जनवरी 2020। दोस्तों इसको मुझे परचेज की हुई 1 साल 7 दिन हो चुके हैं। दोस्तों 1 साल 7 दिन के अंदर मैं आपको बताऊँ तो मेरा इसका पूरा ओवरव्यू कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने कितना पेज प्रिंट करना है। दोस्तों पेज प्रिंट काउंट के लिए सबसे आपको बस ये पावर बटन और कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद ये प्रिंटर वर्क करके आपको निकाल के बता देगा कि इसने कितना पेज प्रिंट किया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका ये इधर निकल के आ रहा है कि इसने कितना प्रिंट किया हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स आ रही है। जैसे दिखाती मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अगर आपको दिखाऊँ, अगर आप लोग को दिख रहा हो, ये आप हमारा प्रिंटर नंबर मॉडल नंबर लिख के आ गया, ये बता रहा है कि हमने बॉर्डरलेस पेज एक भी प्रिंट नहीं किया। हमने के अकॉर्डिंग कलर प्रिंट 80 किया, उसके साथ ब्लैक एंड वाइट 1197। हमने इसमें टोटल 1278 पेजेस 1 साल के अंदर प्रिंट किए। देख सकते हैं फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग इसमें 2019 1 जनवरी को हुई थी। अगर दोस्तों आप लोग को इंक दिख रही हो इंक टैंक में, तो मैं दिखाऊं ये ब्लैक वाली इंक आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट से सेकंड नंबर पे अभी भी है। दोस्तों ब्लैक एंड वाइट 1278 पेज प्रिंट करने के बाद भी अभी इसमें इतनी इंक है कि ये कम से कम 300 पेज प्रिंट कर सकते हैं। आपको बताऊंगा जिसका एक बार ब्लैक एंड वाइट का टैंक फुल होता है तो आप 1500 पेज प्रिंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताऊँ जिसकी जो इंक आती है वो मात्र, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कीमत मात्र 309 रुपये है। मतलब 309 रुपये में आप 1500 पेज प्रिंट कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इसकी कॉस्ट पर पेज अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम कॉस्ट आती है। दोस्तों अगर आप इसकी प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इसकी ब्लैक एंड वाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसको मैंने हाई रेजुलेशन में प्रिंट किया है। उसके साथ ही दोस्तों अगर हम इसकी कलर प्रिंट की क्वालिटी की बात करें तो आप लोग को मैं दिखाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं ये इसकी कलर प्रिंट की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। दोस्तों अगर हम इस प्रिंटर के प्राइस की बात करें तो जब हमने 1 जनवरी 2019 से इसको परचेज किया तो ये हमें पूरा 10,000 रुपये का मिला था। लेकिन आज के डेट में इसकी प्राइस अमेजॉन पे 9,900 रुपये है। तो प्राइस में इसके बहुत अंतर नहीं हुआ 1 सालों में। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर हम आपको बताएं, जब हमने परचेज किया था तब इसमें वाईफाई नहीं आता था, तब ये केवल मैनुअल प्रिंटर आता था। लेकिन आज अगर आप सेम मॉडल लेते हैं L31 तो आपको इसमें वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि 90 नई वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।